हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मलाई कोफ्ता बनाना। इसे बनाना काफ़ी आसान है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसे हम 100% परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि मलाई कोफ्ता को हम आसानी से कैसे बनाएं। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, 2 मीडियम साइज़ आलू उबले हुए, 2 टमाटर कटे हुए, 2 मीडियम साइज़ अनियन कटे हुए, जिंजर गार्लिक, थोड़े से काजू, 4 से 5 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1 चम्मच जीरा। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल और सारे खड़ा मसाला डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब हमें डालना है जिंजर गार्लिक, प्याज, और इसे पकाएंगे 1 मिनट के लिए। इसे हल्का सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू। टमाटर और इसे भी हम मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हमें ऐड करना है इसमें 1/2 ग्लास के करीब पानी और सभी को इसमें अच्छे से कुक करना है। आप इसे 1 मिनट के लिए ढक दें जिससे कि हमारा टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हमें इसे छानना है जिससे कि मोटा वाला जो मसाला होगा वो निकल जाएगा और हमारा जो मसाला होगा वो क्रीमी टेक्सचर का आएगा। आप देख सकते हैं पेस्ट मेरा रेडी है, ये कितना क्रीमी दिख रहा है। अब बना लेते हैं कोफ्ता बॉल्स। सबसे पहले हमें डालना है आलू। आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। पनीर, घिसा हुआ जिंजर गार्लिक, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बेसन। आप इसे बेसन डाल के ही बनाइए, 100% परफेक्ट बनेगा आपका कोफ्ता। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप इसे जैसा बनाना चाहते हैं, गोल बनाएं, लंबे शेप में बनाएं, आप इस तरह से कोफ्ता रेडी कर लीजिए। इसी तरह से सारे कोफ्ता को हम रेडी कर लेंगे। अब देख सकते हैं सारा कोफ्ता मेरा रेडी है। अब चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तेल को गर्म होते ही हम एक एक करके कोफ्ता को डालेंगे। और इसे बीच में टच नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है तेल में जाने के बाद। इसे हल्का हल्का ऊपर से चलाएं। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। कोफ्ता हमारा रेडी है। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। पैन में 2 चम्मच के करीब तेल डालना है और ये पिसा हुआ मसाला हम डाल देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से उबल रहा है। अब हमें इसमें डालना है कस्तूरी मेथी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रेवी है वो कितना क्रीमी लग रहा है। लास्ट में हम डालेंगे 1/2 चम्मच चीनी। चीनी की जगह पे आप शहद भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच होममेड क्रीम और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा ग्रेवी रेडी है। आइए अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। एक एक करके कोफ्ता को हमें प्लेट में डालना है। इसे डायरेक्ट हम ग्रेवी में नहीं डालते हैं। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा ग्रेवी डालेंगे, चारों साइड से भी ग्रेवी डालें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।
और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।